इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डाइटिशियन कैसे बनना है। मैंने अब तक YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि डाइटिशियन कैसे बने, ये एग्ज़ाम दें, वो एग्ज़ाम दें, बट ऐसा नहीं है। और पहली बात ये कि अगर आपके पास साइंस नहीं है तो आप फिर भी डाइटिशियन बन सकते हो। ये बात गलत है कि आपके पास साइंस नहीं है तो आप डाइटिशियन नहीं बन सकते। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और ईजी भी लगेगी। तो आपको डाइटिशियन बनने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपकी 12th पास होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आप 12th पास कर लो, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, जिसमें भी, ठीक है। अब सबसे पहले वो लोग सुन लें जिनके पास साइंस नहीं है और वो डाइटिशियन बनना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप बीएससी होम साइंस पास में आप एडमिशन ले लो, जिससे आपको आगे एमएससी में हेल्प मिलेगी। आप एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन कर सकते हो और दूसरा पीजी डिप्लोमा भी आप डाइटेटिक्स में कर सकते हो। अब बात आती है जिन लोगों के पास साइंस है, उनके पास बहुत सारे यहाँ पे रास्ते खुले हुए हैं। देखो, आप सबसे पहली बात बीएससी होम साइंस ऑनर्स कर सकते हो जिनके पास साइंस है, ठीक है। बीएससी इन न्यूट्रिशन कर सकते हो या आप बीएससी फूड इन टेक्नोलॉजी कर सकते हो। और जिनके पास पास है या ऑनर्स है, दोनों में से कोई भी है, वो पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं और वो एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास ऑनर्स है उनका मेरिट बेस भी होता है एमएससी में, और जिनके पास होम साइंस पास है उनका एंट्रेंस एग्जाम से होगा। अब बात आती है इसमें, इसको करने के बाद स्कोप क्या है। देखो, आपको ये आप अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी ज़रूरी है। तो आप कहाँ कहाँ इंटर्नशिप कर सकते हो, पर इंटर्नशिप से पहले आप जो है डिप्लोमा ज़रूर करो, क्योंकि वो लोग डिप्लोमा ज़रूर मांगते हैं। तो आप हॉस्पिटल में कर सकते हो, किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन के पास आप काम कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, किसी अच्छे क्लिनिक पे जाके वीएलसीसी क्लिनिक या जिम या किसी एनजीओ से भी जुड़ सकते हो आप। जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको जॉब, अब आपको जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है, आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब मिल सकती है। अगर आपको ये लगता है कि मतलब मैं डाइटिशियन बन जाऊँगा या बन जाऊँगी तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब मिल सकती है। या तो आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, या किसी जिम में आप काम कर सकते हो, एज अ डाइटिशियन डाइट काउंसलर बन सकते हो, या वीएलसीसी में टीचर बन सकते हो वीएलसीसी में, और आप स्कूल में डाइट काउंसलर बन सकते हो, या किसी एनजीओ से जुड़कर आप उसके साथ काम भी कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, यही नहीं है कि आप अपना क्लिनिक खोलोगे, जिम में काम करोगे, ऐसा नहीं है। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर आप अच्छी तरह करोगे इस कोर्स को तो आपको एक अच्छे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती है, अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर जाओ तो वहाँ का, ठीक है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी आरडी कैसे बनना है, मतलब रजिस्टर्ड डाइटिशियन हम कैसे बनते हैं। मैंने YouTube पे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन बना रखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बता रखा, तो मैं आपको बताऊंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो।